ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की सबसे प्रबल दावेदार टीम इंग्लैंड। अगर बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियंस है इंग्लैंड की टीम, जो कि 2019 वर्ल्ड कप का खिताब जीत कर आ रही है इयान मॉर्गन की कप्तानी में, तो इस बार 2023 में अपने टाइटल को डिफेंड करने के बाद फिर से उतरने वाली है जॉस बटलर की कप्तानी में। बात करें तो इस समय हर किसी को लगता है कि इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल्स में तो नज़र आने ही वाली है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि फाइनल में भी नज़र आएगी, जिस तरह करेंटली इनकी पूरी टीम का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बात करें अगर इनकी स्क्वाड की, तो इंग्लैंड ने पहले 15 सदस्यों की स्क्वाड का जब ऐलान किया था, प्रोविजनल स्क्वाड का ऐलान किया था, उसके बाद जब कंफर्म 15 करी, एक नाम को ड्रॉप कर दिया गया जो कि 2019 विनिंग वर्ल्ड कप टीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह शामिल करा गया हैरी ब्रूक को, जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। इसके ऊपर कप्तान जॉस बटलर ने भी कहा था कि जेसन रॉय को ड्रॉप करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, वो कॉन्वर्जेशन आसान नहीं थी। जब उन्होंने जेसन रॉय से बात करके बताए उनको रीजंस कि क्यों वो इस बार का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, लेकिन उनकी जगह पर यहाँ पर शामिल किया गया हैरी ब्रूक को। वही अगर बात करें इस बार की इंग्लैंड की 15 सदस्यों की स्क्वाड की, तो इंग्लैंड की स्क्वाड में यहाँ पर शामिल है जॉस बटलर कप्तान, मोइन अली, गस एटकिंसन, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जो रूट, बेन स्टोक्स, री स्टोपली, डेविड विली, क्रिस वोक्स और मार्क वुड। ये है इंग्लैंड की 15 सदस्यों की वर्ल्ड कप की स्क्वाड। अब अगर स्क्वाड को एनालाइज करें तो पहले बात करते हैं इनके बल्लेबाजों की। इनके बल्लेबाज में यहाँ पे शामिल है जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक और इनके कप्तान और विकेट कीपर जॉस बटलर। अगर शुरुआत करें यहाँ पे जॉनी बेस्टो से, जॉनी बेस्टो ओपनिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी शुरुआत करते हैं, काफ़ी अच्छे विकल्प, तो साथ ही बैकअप विकेट कीपिंग का भी विकल्प देते हैं। इनके साथ हमें नज़र आने वाले हैं डेविड मलान, जिनका हाल ही प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है जब इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड के साथ 4 मैचों की ओडीआई सीरीज़ खेल कर आई। वहाँ पर इस सीरीज़ के दौरान यहाँ पर जो है जेसन रॉय जो से चोटिल हो गए थे, तो उनकी जगह पर ओपनिंग करते हुए नज़र आए डेविड मलान। इनका तूफानी शतक भी सीरीज़ में देखने को मिला, तो साथ ही इंग्लैंड ने जब न्यूजीलैंड को 3-1 से हार चखाई, तब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी यहाँ पर डेविड मलान ही लेकर गए। साथ ही बात करें हैरी ब्रूक, जिन पर नजरें रहने वाली है, क्योंकि उनको जेसन रॉय की जगह यहाँ पे मौका दिया गया है, तो कैसा अपना मौका बनाते, कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अगला नाम आता है यहाँ पे जो रूट का, जिनका हाल ही प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन हम जो रूट को भी ड्रॉप नहीं कर सकते इंग्लैंड की स्क्वाड से वर्ल्ड कप के लिए। हो सकता है कि वर्ल्ड कप में हमें जो रूट हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट में नजर आ जाए, इस काबिल के ये बल्लेबाज है। वही नाम आता है इसके बाद इनके कप्तान जॉस बटलर का, जो कि यहाँ पे मैच विनिंग खिलाड़ी माने जाते हैं। हाल ही इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमें इनका देखने को मिला, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी बखूबी बल्लेबाजी वे करते हैं, बेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल होता है। वही बात करें अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉलर्स में, इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 4 बॉलिंग ऑप्शंस लेकर उतर रही है, आदिल राशिद, गस एटकिंसन, री स्टोपले और मार्क वुड। सिर्फ 4 बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इनके पास भर रखे हैं ऑलराउंडर। लेकिन पहले अगर बात करें बॉलर्स के, तो एक ही इनके पास मेन स्पिनर है आदिल राशिद, जिनको इंडिया की कंडीशंस काफ़ी फेवर कर सकती है। वही बात करें अगर इनकी पेस की तिकड़ी की, यानी पहले गस एटकिंसन की, तो ये बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, टेस्टेड नहीं है। अभी न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ हुई 4 मैचों की, इसी में इनका डेब्यू हुआ, 3 मैच सिर्फ इसमें इन्होंने खेले, इसमें एक ही विकेट चटकाई, तो देखने वाली बात हुई किस तरह का प्रदर्शन वे दिखाते हैं। तो साथ ही बाकी बात करें अगर री स्टोपले की और मार्क वुड की, दोनों ही इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो दोनों ही अभी इंजरी से कमबैक करेंगे, किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं वो देखने वाला होगा। बाकी तीनों जो पेस तिकड़ी है इनकी, गस एटकिंसन, री स्टोपले और मार्क वुड, तीनों को ही सब कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो तीनों किस तरह का प्रदर्शन दिखाएंगे वो वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा। बात करें अब आखिरी यहाँ पे बीच में ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर में सबसे ऊपर नाम आता है बेन स्टोक्स का, जिन्होंने अपने ओडीआई रिटायरमेंट से वापसी करी और आते ही जड़ दिए 182 न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल का स्कोर खड़ा कर दिया। फिर यहाँ पे आते हैं मोइन अली, जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी का विकल्प भी देते हैं, साथ में ऑफ स्पिन का विकल्प भी दे सकते हैं, इंडियन की कंडीशन से काफ़ी अच्छे वाकिफ है। फिर आते हैं यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन, लियाम लिविंगस्टन का अच्छा है कि कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाने की क्षमता रखते हैं, यानी बाउंड्रीज में काफ़ी डील करते हैं, ऑफ स्पिन का और लेग ब्रेक का विकल्प देते हैं, यानी वेरिएशंस काफ़ी अच्छे से ज़्यादा डाल सकते हैं, वेरिएशंस का विकल्प देते हैं। और इसी के बाद एक नाम आता है यहाँ पे क्रिस वोक्स का, क्रिस वोक्स की बात करें तो हमने इनको एशेज में देखा है कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, नई गेंद से ये शुरुआत करते हैं, एशेज में हमने देखा था कि स्लोअर वंस डालते हैं, नए यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस ये भी देते हैं। इसके बाद नाम आते हैं यहाँ पे, अगर बात करें तो डेविड विली का और सैम करन का,
डेविड विली की अगर यहाँ पे बात करें तो डेविड विली को आप कहीं भी गेंदबाजी करा सकते हो, नई गेंद से भी शुरुआत करते हैं, डेथ ओवर्स में भी डालते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर देते हैं। वहीं इनके साथ ही यहाँ पे सैम करन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी का विकल्प देते हैं, डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और नहीं भूल सकते जब अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था तब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी यहाँ पे सैम करन ही लेकर गए थे। यहाँ पे सैम करन ने तब गेंदबाजी बहुत ही शानदार करी थी बल्लेबाजी के साथ साथ। ये थी इंग्लैंड की यहाँ पे पूरी की पूरी टीम। अगर बात करें अब इसी के साथ तो इसके बाद इंग्लैंड की इस वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो इनकी बेस्ट 11 यहाँ पे हो सकती है जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर कप्तान और विकेट कीपर, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, सैम करन या फिर रीस टोपली और आदिल राशिद। ये हो सकती है इंग्लैंड की बेस्ट 11 जो इस वर्ल्ड कप के लिए हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आपको ये जो इंग्लैंड की स्क्वाड है कैसी लग रही है मुझे फटफट से कमेंट्स जरूर बताइए। आप देखिए तूफान स्पोर्ट्स, इसको लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।